अब बैठ करके सीता राम कर रहे थे हनुमानगढ़ी। उस दिन पीएसी वालों ने मना कर रहे थे कि महाराज ये आज हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। पुलिस वाले कह रहे थे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, हमें डंडे दे दिए गए। आज नागालैंड की फोर्स आ गई और हनुमानगढ़ी में श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे। उसी समय तड़ातड़ गोलियां चलने लगी थी। ये गोली मेरे लगी थी। मैं तब 18, 19, 20 साल का मैं भी था। गोली लगी थी आप? हाँ, ये देखो ना, ये देखिए, ये यहाँ से चीर के निकल गए। ये देखिए ना, ये यहाँ से लगी थी। हनुमानगढ़ी से लेकर के सरजू नदी तक खून की नदियाँ बह गई थी। वो दिन जब याद आ गया, साध्वी जी आज पता नहीं 20-25 सालों के बाद इनके दर्शन मिले हमें। यही अपने हैं सब लोग। आज भावुक हैं आप? भावुक क्यों नहीं रहेंगे? तीन लोग जश्न मना रहा है इसलिए कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सबसों का। आज राम राज्य देख रहे हैं। किसी दिन हम ये देख रहे थे कि यहाँ वो गोली चली थी, उस समय मैं मौजूद था। रितम्बरा दीदी रही, उमा दीदी रही, सब लोगों के साथ अम्मर रामदास छावनी से कितनी लाठी कितनी गोली खाए। वो कलयुगी राक्षस लोगों का अब संहार होगा, अभी तक तो नहीं हुआ ना। वो दिन हम देखे लाखों कार सेवकों को मार के, वो कोई अता पता नहीं कितने मारे गए, कितनी बहनों की कर और कितनी माताओं की गोदे सूनी हो गई। ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी राक्षस लोगों की सरकारें रहीं कि राम भक्तों का, हिंदू सनातन धर्म का कोई वो करने वाला नहीं था। आज भगवान राम की कृपा से, महाराज योगी मोदी जी की कृपा से उन 5 जज्जों को मैं ज़्यादा दंडवत करता हूँ कि जिन्होंने अपने सनातन हिंदू धर्म का ध्वजारोहण कर दिया और हमारे भारतवर्ष के अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों को उन्होंने संजो करके एक इतिहास कायम कर दिया। नहीं, वो दिन हम देखे हैं कि इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर के सरजू नदी तक खून की नदियां बह गई थी। वो दिन जब याद आ गया, साध्वी जी आज पता नहीं 20-25 सालों के बाद इनके दर्शन मिले हमें यही। इसलिए देख करके जरूर स्वाभाविक है वो दिन याद आ जाना। हम हो या हमारी जगह में आप होते तो आप भी वही चीज करते। ये गोली मेरे लगी थी। मैं तब 18, 19, 20 साल का मैं भी था। गोली लगी थी आप? हाँ, ये देखो ना, ये देखिए, ये यहाँ से चीर के निकल गए। ये देखिए ना, ये यहाँ से लगी थी। 6 सितंबर वाली कार से? नहीं नहीं, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को तो 90 30 अक्टूबर 90 में केवल कोठारी बंद हो और शरद कोठारी ये लोग मारे गए थे। हमारे धन्य हम कहते हैं पीएससी के जवानों और पुलिस के जवान जो थे लगे थे, उन्होंने सीआरपीएफ वालों ने गोली चलाया था उस दिन 90 को, 30 अक्टूबर 90 में। तो उन्होंने अपने अपनी राय भले तान लिया थे कि अगर राम भक्तों के ऊपर आप गोली चलाएंगे तो हम आपको मार देंगे। उस दिन तो हम बच गए। 1 नवंबर को कोई कहानी नहीं हुई। 2 नवंबर को जब यहाँ से कार सेवा में गए, हम मरी रामदास छावनी से निकले, ये था कि हम सीताराम करेंगे। अब बैठ करके सीताराम कर रहे थे हनुमानगढ़ी। उस दिन पीएसी वालों ने मना कर रहे थे कि महाराज ये आज हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। पुलिस वाले कह रहे थे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, हमें डंडे दे दिए गए। आज नागालैंड की फोर्स आ गई और हनुमानगढ़ी में श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे। उसी समय तड़ातड़ गोलियां चलने लगी थी। दो नवंबर को छह दिसंबर 92 की घटना है उसको छोड़। उस समय तो कल्याण सिंह थे,
उस समय कल्याण जी थे, कल्याण जी ने और सब लोगों ने वहाँ जी दीदी हरे सब लोगों ने वहाँ कैंप से उस बार वही 90-02 वाली घटना। धन्य कल्याण सिंह, कल्याण सिंह जी की जय हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जल्दी करो, सरकार ही जाए, सरकार इनता की सरकार है, सरकार एक नहीं, बीजेपी में ऐसे ऐसे लोग हैं सब कुछ दे सकते हैं। अब भाई आज हम देख रहे हैं बच्चा बच्चा राम का, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। आप देख रहे हैं आज तो ये अपने इस अयोध्या धाम में नहीं पूरे विश्व में राम का पताका फहरा रहा है। अभी तो ये अयोध्या अंगड़ाई है, अभी आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये शुरुआत किया गया है। अब तो हम जीवित हो रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। सतयुग में जब भगवान राम पैदा हुए थे उस समय भी महीनों बादल और धूप नहीं निकल रही थी, क्यों? सबसे ज़्यादा रात्रि को तकलीफ हो गई थी, इसलिए कि सूर्य कुल के थे, साक्षात नारायण थे। ये था कि अगर नारायण का उदय हो जाएगा तो राक्षस लोग, निशाचर जो रात में विचरण करते हैं, उनकी दाल गलने वाली नहीं रहेगी। तो इसी तरह बहुत भयंकर ये अंधेरा ही अंधेरा लगा रखा। इतने समय बाद आज साध्वी दीदी रितंबरा को देखा है आपने? अभी हमारे चित्रकूट में धर्म सभा थी, कुंभ महासभा, उस कुंभ महासभा में भी एक बार मुलाकात हुई थी, मैं पकड़ के रोया था। आज बहुत खुश हैं दीदी? आज दीदी भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। दो आंसू होते हैं, एक दुख के एक सुख के। आज खुशी के आंसू नहीं, अब इसमें कहने की बात थोड़ी है, किसी जमाने पे मारे दुख के कारण आंसू निकल रहे थे, तो ये आंसू नहीं है। इसको चाहे दुख के मान लो, चाहे सुख के मान लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिकराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राजा राम चंद्र की। और एक बात कह देना चाहता हूँ, कुछ हमारे हिंदू संस्कृत में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, उन लोगों के ज्ञान नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि धर्म के काम में किसी प्रकार का परपंच न करना चाहिए, अगर परपंच करते हैं तो गलत भाई। इसलिए कि भगवान का राम भगवान का काम है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक सॉन्ग सुना देता हूँ मैं, एक मिनट, वो किसी काम का नहीं। हम अभी क्या कहे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। नेता लोग, अच्छी पार्टियां ये कह रही हैं कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर बनवा रही है, राम मंदिर चुनाव जीतने के लिए उद्घाटन कर रही है। उद्घाटन मोदी जी के 18 तारीख को हो गए, उद्घाटन जय जय श्री राम 18 तारीख को हो गए, हनुमान जी कर दिए, वहाँ जाके देख लीजिए सब लोग, देखिए ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना योगी जी कर सकते हैं, ना हम कुछ। जब हम नहीं कर सके, गोली कितने लोग मारे गए, तो मोदी जी क्या होते हैं? मोदी जी एक, हम ये मानते हैं कि वो निमित्त हैं, भगवान के पार्षद हो सकते हैं, भगवान राम के सेवक हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं निमंत्रण नहीं मिला, अरे भगवान जो निमंत्रण देता है सीधे अपने पास बुला लेता है। भगवान के दरबार में निमंत्रण की, हमें कोई निमंत्रण दिया है क्या? भगवान के चरणों में हम जगह जगह पे हम दंडवत कर रहे हैं। लेकिन सबसे
सबसे बड़ी बात आप ये देख रहे हैं कि एक वो भी पुलिस थी, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जिन्होंने गोलियां चलाई थी, एक आज उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आप चारों तरफ देखिए पुलिस का पहरा लगा हुआ है, लेकिन राम भक्तों की रक्षा के लिए। आज राम मैं हम अभी कहे ना कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज सब कोई सिया राम मैं है, ऐसा होना चाहिए धर्म में और अपने संस्कृत की अमूल धरोहरों को संजोने के लिए, संरक्षित करने के लिए सबको इकट्ठे रहना चाहिए। और सब जब सब एक हैं तो राजनीति कौन करते हैं, नेता लोग ना, उन्हें निमंत्रण चाहिए, वो मंत्री बन जाए, वो प्रधानमंत्री बन जाए। अरे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भगवान से पास और फेल का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। हम पास हैं, हमें किसी की पास की जरूरत नहीं, हम पास हैं, हमें भगवान ने इतना करके पास करके भेज दिया है, ठीक है। और जो पास ढूंढते हैं उसको जिस दिन भगवान बुलाएंगे इकट्ठा बुला लेंगे। हमें हम सबको दिखा रहे हैं, आज पहचान नहीं है कि कौन का कार सेवक में था। सपना पूरा हो गया। जय जय श्री राम। देखिए आपके साथ में एक महिला भी खड़ी हुई है, महिला भक्त हैं, कुछ कहना चाहते हैं हम? आपकी भी आंखें नम, क्या करें, सर माहौल बना है कि आंखें नम हो जाती हैं सर। खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, लंबा वक्त का इंतजार किया, उन्होंने इतना संघर्ष किया, उनको देख करके हम भी नम हो जाते हैं सर जी। कितनी खुशी है, अपार, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, कृपा है जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजा है। क्या सुनाना चाहते हैं? मैं मधेपुरा बिहार से आया हूँ, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ कि गोरखपुर के सरजमीन पर से हमारे दिनेश लाल निरहुआ जी ने जो राम जी के विरोधी हैं उनका रिलाई किया था, और आज मैं यहाँ अयोध्या के सरजमीन पर हूँ, यहाँ से मैं भी उनका रिलाई करता हूँ। तो आप लोग सुनिएगा कि कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।